आप लोगों ने अभी कागज भेजा है, देख लिया है, और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरे चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब उसके बाद बाद में बताया जाएगा जी। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 तारीख को हत्या हुआ है, एसपी से आईजी से सबसे बात हुई, हमने कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। जिस दिन हम मिलने के लिए गए मुजफ्फरपुर, एसपी छुट्टी पर चले गए, आईजी साहब कहे कि 2 दिन के अंदर हम इसको देखवा लेते हैं, आज 5वां दिन है, और कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर में वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और मंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई संज्ञान में ले और विषय को, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब तक जांच होती है तब तक के लिए उनको हटा दें ताकि सही रूप से न्याय हो सके। आप तो न्याय के साथ विकास करते हैं, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्वयं मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी ने हम तो कह रहे हैं अपने स्तर से उन्होंने आदेश दिया है इस प्रकरण को देखने के लिए। सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि जो हाई प्रोफाइल केस का उचित कार्रवाई नहीं अनुसार होगी। हाई प्रोफाइल केस पर 15 दिन तक वो जिले के अंदर घूम रहा है, न्याय नहीं मिला, आज यही स्थिति छपरा के अंदर है, यही स्थिति आपके समस्तीपुर में जिंदा है, गोली चला। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब दे देने के बाद आश्वासन से चलेगा, स्थान ग्रहण करना, आश्वासन से सदन चलेगा या इस पर उस मंत्री को तब तक हटा दें और कार्रवाई करें, सदन चलेगी। एडवांस इंफॉर्मेशन पर एडवांस बिना कोई, ये 9 तारीख की घटना अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, कार्रवाई ना आप कर सकते, पंद्रह दिन हो गया, वो तो कह रहे हैं कई बार वहाँ हंगामा हुआ, प्रेस हुआ। आज आपने रखा सदन में, माननीय सदन नेता ने कहा मैंने आदेश कर दिया है, इनके पास कई तंत्र है, ये चाहे तो 1 घंटे में भी जवाब मंगा के जा सकते हैं, तो है कि मैं कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हूँ। और जो मंत्री सेना पर प्रश्न उठाया वो मंत्री तो माफी मांगे, प्रश्नकाल होने दीजिए, माननीय सदस्यों का प्रश्नकाल है, दोनों सेना पर भी प्रश्न उठाने वाले मंत्री तो यहाँ माफी मांगे। दामोदर राउत, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए News24 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध, इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News24 ऐप।